वेलकम बैक। इंडसइंड बैंक ने अपना न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, इंडसइंड बैंक सॉलिटरी क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस जीरो लगेगी। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारी मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री इस क्रेडिट कार्ड पर दी जाएंगी। तो इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला हर इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुंचता रहे। इस क्रेडिट कार्ड पर वेलकम बेनिफिट के रूप में ITC, क्लियोनियर, इजी डाइनर, प्राइम मनी कंट्रोल प्रो और ताज एपी केयर की मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलेगी। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको जीरो फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेन में जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उस पर किसी भी तरीके का चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अदर क्रेडिट कार्डों पर फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस पे करनी पड़ती है, 3.5% तक आपको फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस पे करनी पड़ती है, जबकि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 16 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा। इस कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड पॉइंटों की अगर मैं बात करूं, इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप स्पेंड करेंगे 100 रुपए तो वहां पर आपको मिलेगा 1 रिवार्ड पॉइंट, इंश्योरेंस, रेंट, एजुकेशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर अगर आप 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू का 0.70% ही आपको वैल्यू बैक मिलेगा। मतलब आपको रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू का 0.70% ही आपको इन कैटेगरी पर मिलेगा। फ्यूल पर आपको किसी भी तरीके के रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। और रिवार्ड पॉइंटों की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे के बराबर होगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको गोल्फ बेनिफिट भी मिलते हैं। साल में आप 12 बार गोल्फ ग्रीन फीस वेवर ले सकते हैं गोल्फ गेम खेलने के लिए। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कॉन्क्लेव का बेनिफिट भी मिलता है, जिससे आप एक कॉल के माध्यम से ट्रैवल की बुकिंग करा सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बुकिंग करा सकते हैं, फ्लावर डिलीवर करा सकते हैं, टेबल बुकिंग करा सकते हैं। ये सारे काम एक कॉल के माध्यम से इस क्रेडिट कार्ड से आप करवा सकते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर की अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा और सभी फ्यूल स्टेशन पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर एक महीने में साल में मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस है 30,000 रुपये प्लस GST है, और एनुअल फीस की अगर इस क्रेडिट कार्ड पर मैं बात करूं वो 10,000 रुपये प्लस GST है। अगर आप 1 साल के भीतर 10,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस है वो वे ऑफ कर दी जाएगी, जबकि आपको ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ेगी। इस कार्ड पर मेरे ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्रेडिट कार्ड डिजाइन किया हुआ है स्पेशली फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए डिजाइन किया हुआ क्रेडिट कार्ड है। अगर आप फॉरेन में ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं, बाकी ये क्रेडिट कार्ड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप इंडिया में इस क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये कोई भी काम का क्रेडिट कार्ड नहीं है। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।